सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है डे टू दीघा में और अभी सुबह के बज चुके हैं 10। हम लोग कल रात को एकदम सो गए थे और उठते उठते करीबन 9 बज गए, तो अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद दीघा बीच को भी एक्सप्लोर करेंगे और आज आपको मैं अच्छे से दिखाऊंगा, तो चलिए बाहर चलते हैं। वो फोन नहीं दे पे गया मम्मी। लॉक्स चल। तो हम लोग का जो आज का लंच और डिनर रहेगा वो सुदीप ने चावल खरीद लिया है और मटन खरीद लिया है, मतलब एकदम रॉ, और उसको पकाने के लिए दिया है। तो लंच एंड डिनर मिला के हम लोग का 550 रुपये में हो जाएगा। कतो किलो चावल नीचे ली? 500 ग्राम चावल लिया था और 500 ग्राम मटन, और बनाने का 150 रुपये, बनाने का यहाँ पे 150 रुपीज़ लिया है। और चावल मटन का केजी 700 रुपये, 700 रुपये केजी का मटन है। और कतोटा का नीलो एखाने मैंने बनाने मटन, शुद्ध मटन बनाने के लिए 1 किलो का 150 रुपया लेता है। हाँ, अगर आधा किलो होगा तो 100 रुपये लेगा। अच्छा, और राइस का? राइस का चावल जो खरीद लिया था वो मैंने देहरादून राइस चावल खरीदा। हाँ, वो है 80 रुपये किलो। ओके, और बनाने का 1 किलो का लेता है 30 रुपया, लेकिन अगर 500 बनाएंगे तो उसका लेगा 20 रुपया। अच्छा, ओके। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बीच के सामने और यहाँ पे अभी हम लोग खोज रहे हैं कि कहाँ पे हम लोग को कचौड़ी मिल जाएगा, हींग वाला। और यहाँ पे यार थोड़ी धूप है लेकिन हवा भी चल रही है तो उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। और आज हम लोग एकदम अच्छे से नहाने वाले हैं, कैमरा हम लोग रख देंगे एकदम, क्योंकि ये लोग भीग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो बीच आज मैं आपको अभी इस ब्लॉग में बीच दिखाऊंगा पूरा, ठीक है? और बीच के आसपास जितना भी अच्छा जगह है, फोटोजेनिक जगह है, वो सब इस ब्लॉग में हम लोग आज कवर करेंगे। तो अभी एक दुकान मिला है, जाके देखते हैं कि मिलता है कि नहीं। कचौड़ी होगा क्या? तो अभी हम लोग शायद इतना ज़्यादा लेट हो गए हैं कि यहाँ पे हम लोग को ये ब्रेकफास्ट ठीक से मिल नहीं रहा। कचौड़ी जितना भी दुकान है मतलब यहाँ पे बीच की तरफ, वो लोग बोल रहे कि अभी उन लोगों के पास नहीं है, तो खोजते हैं कहीं अगर मिल जाएगा तो खा लेंगे, नहीं तो कुछ और से हम लोग को गुजारा करना पड़ेगा। ओके, तो फाइनली हम लोग को हींग का कचौड़ी मिल गया है, एक दुकान में खुला है वो। ये दुकान है, दुकान का नाम क्या है? न्यू, छोड़ो यार क्या करना अपने को। अरे यार करंट चला गया। तो फाइनली मिल गया है ब्रेकफास्ट, ये अभी इसको खाएंगे। एंड दिस इज जस्ट फॉर 20 रुपीज, 4 पीस हींग का कचौड़ी। गरम एकदम, इट्स गुड। हमारे पास आ चुका है आलू का पराठा विद द सेम सब्जी। ओके, इसको ट्राई करते हैं। हेलो, बहुत अच्छा टेस्ट है। मैदे का पराठा है ये, अंदर आलू भी है। सो गाइस, जो ब्रेकफास्ट था हम लोगों ने कर लिया और बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट था। मतलब कचौड़ी था कितना का? 20 टका है चाटते, मतलब 20 रुपए का चार। और क्या था? और
आलू का पराठा था और आलू का पराठा था 30 रुपए का, उसमें हम दोनों ने शेयर कर लिया। बहुत ही अच्छा खाना था बॉस, मतलब खा के दिल खुश हो गया। दुकान का नाम पता नहीं क्या था, लेकिन अब से जब भी आएंगे यहाँ पे तो मैं वहीं ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ, इतना अच्छा लगा मुझे। अभी चलते हैं बीच की तरफ, एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। सो गाइस, दिस इज द कंडीशन ऑफ द बीच राइट नाउ। मतलब पानी जो है पूरा अभी ऊपर तक आ गया। यहाँ पे 1 बजे के बाद लोग नहाने के लिए जाते हैं, क्योंकि अभी पूरा समुंदर का पानी ऊपर आ चुका है। ये पानी मतलब एकदम पीछे चला जाएगा 1 बजे, तो सब लोग नहाने जाएंगे, तब हम लोग भी जाएंगे। बट कैमरा कैरेक्टिंग करेंगे इसलिए अभी दिखा दे रहा हूँ। अभी पानी पूरा ऊपर है और ऐसा कुछ अभी लोग इधर पीछे जाते हैं लाइन से एकदम। भिगा दिया यार, अब भी भिगा देता मेरे को। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे इधर अंदर की तरफ जाने का, यहाँ पे बहुत अच्छा फोटोज आएंगे। तो ये बीच से एकदम जस्ट थोड़ा सा ही इधर पे है, तो इधर चलते हैं। तो अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं बीच के किनारे में, और इस तरफ थोड़ा पेड़ वेड़ है और आगे जाके बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ है, तो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक करेंगे। देखते हैं कि पहले जा सकते हैं या नहीं, अगर चलेगा तो बहुत मज़ा आएगा। तो ऐसा कुछ रास्ते से अभी होके जाना पड़ेगा। हेलो, तो आई जस्ट होप कि हम लोग रेस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी के अंदर नहीं घुस रहे हैं। यहाँ पे पीछे पूरा घोड़े लोग का यार्ड है और वहाँ सामने फेंसिंग है, तो आई गेस उधर पे नहीं जा सकते। नो प्लेस टू गो। ये मैट्रेस है और मेरे को ऐसा कुछ जगह चाहिए था पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हो ऐसे बीच में, लेकिन यहाँ पे ऐसे फेंस लगा हुआ है तो इधर से तो जाना मुश्किल है। तो अभी एक काम करते हैं, आगे से जाके ट्राई मारेंगे कि वहाँ से जा सकते हैं। हाँ, प्लेट खा रहे हैं। क्या खा रहा है भाई? ब्रेकफास्ट देखे तो ये इसका ब्रेकफास्ट है। एक घोड़ा को देखो क्या कर रही है, नहा रहा है मट्टी में। वाह शाबाश। क्या गया, क्या था वो? ये अभी भी आवाज कर। ए चल भाई, खान देख की सब आछे কি আছে ওটা? কি ভয় লাগছে? আর কিছু না, চল কামরা না করছে। জলদি সে নিকলো। বাবা রে বাবা, এদের সে উরে উরে বেজি। ওটা কি বেজি? বেজি করছে, বেজি ঘরে পোষেলো হই তো। এখানে কোথায় দেখছে আমার দিকে? ওই পোষ মানে ও হেবি হই তো। বেজি বেজি এখানে হই তো সাকি আছে হই তো। বেজি ওটা আমার বন্ধুর বাড়িতে আছে পোষা। হ্যাঁ পোষ মানে ও তুই যদি পুষিস, হ্যাঁ তোর ছোট বাচ্চা থেকে তো ভাই পোষ মেনে যাবে। It sound right, boys. जो पेड़ मैं खोज रहा था वो हम लोग को नहीं मिले। मतलब इस तरफ तो पूरा फेंसिंग है, पूरा पार्क का रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, और आगे जाके यहाँ के लोकल लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग नहीं चढ़ पाएंगे। मतलब देख के लग रहा है कि जा सकते हैं, लेकिन जाने के पर पता चला है कि बहुत ही मट्टी या फिर बहुत ही गंदा रास्ता है। तो फिर अभी बस अभी आप लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इधर पर, मतलब बहुत धूप है। तो अब इसके बाद जाएंगे होटल, होटल में सब कैमरा वैमरा रख के सीधा बीच में नहाने के लिए आएंगे। तो इस वीडियो को इतना दूर रखते हैं। पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। नहीं गर्मी है ना, इसके बाद लस्सी पीऊँगा मैं।
तो चैनल को सब्सक्राइब करो. मैं मिलता हूँ किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी. Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you one thing. On the nights you feel outnumbered, maybe I'll be out there somewhere.